हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में डायोड के बारे में पढ़ा था। आज हम का जो लेक्चर है वो उसी एक टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है एलईडी। एलईडी इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। इसको हमने कई कई सारी जगह पर हमने अपने आपने देखा है इसको, चाहे हमारे वो स्मार्टफोन्स हो, चाहे हमारे ट्रैफिक लाइट्स हो, चाहे वो हमारे कोई इंडिकेटर ही क्यों ना हो। स्मार्टफोन्स में आपने इसको एक एलईडी चिप के रूप में देखा है। जो हमारे पीछे स्मार्टफोन हमारी फ्लैश होती है वो भी एक एलईडी ही होती है, वो एक चिप के फॉर्म में होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है कि ये एक एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट है। ये एक डायोड है, तो ये एक पीएन जंक्शन, पी मैं इसको कहता हूँ पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि इसी से तो मिलकर बना होता है। सेकेंड थिंग है, ये कोई ये स्पेशल डायोड है, स्पेशल डायोड। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ स्पेशल डायोड, क्योंकि डायोड और सिंपल डायोड में देखा था वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। हमने वोल्टेज ही उसने फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी, बट इसके अंदर अगर करंट पास होता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं, हीट के फॉर्म में नहीं, ये लाइट के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। यानी अगर हमने करंट पास किया और इसने हमें लाइट प्रोवाइड कर दी, ग्लो किया इसने, तो इसका एक इफेक्ट होता है, वो होता है इलेक्ट्रो लुमिनेंस इफेक्ट। ये इस इफेक्ट पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रो लुमिनेंस इफेक्ट। अब इस इफेक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी अगर कोई डायोड है, मेरे पास एलईडी डायोड है, उसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करूंगा तो वो उसको लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इन इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन फोटोन्स, वो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसका सिंपल की बात करूं, इसका सिंपल में डायोड का सिंपल देखा था, वो एक एरो था, आगे एक ब्लॉक था कि एक ही साइड करंट जाएगा। यहाँ पे बस फर्क इतना है, ये दो एरोज निकल गए, ये एरोज रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट के फॉर्म में। ये मेरे पास आ गया एक एनोड, ये हो गया कैथोड। तो सिंपल सा था, इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि कोई भी पीएन जंक्शन है उसमें अगर मैं करंट पास कर रहा हूँ और वो मुझे लाइट के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है, तो उस इफेक्ट को ल्यूमिनेंस बोलते हैं, और इस उस पीएन जंक्शन को हम एलईडी में बोल देते हैं। तो अब अगर मैं इसकी ब्राइटनेस की बात करता हूँ, एक आती है टर्म आती है ब्राइटनेस, कितनी ज्यादा ये ब्राइट ग्लो कर सकती है, तो वो उसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्राइटनेस। ये डिपेंड करती है कि कितना आप उस ये करंट प्रोवाइड कर दो, कि एलईडी कितना करंट ले रही है। अगर ये ज्यादा करंट लेगी तो ज्यादा ग्लो करेगी, कम करंट लेगी तो कम ग्लो करेगी। सेकेंड थिंग है इसका टेम्परेचर, ये बहुत इसका अच्छा साथ नहीं है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, इसकी जो अपनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर के साथ इसका कोई अच्छा रिलेशन है नहीं है। तो ये तो था कि ये होता क्या है, कि तो मैं इसके ब्राइटनेस की बात करूं, टेम्परेचर के साथ क्या रिश्ता है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी वेव लेंथ, आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर्स का जो एलईडी है उसकी वेव लेंथ कई बार वेरी करती है। कुछ कलर्स होते हैं जो बहुत ही फीके कलर मिल जाते हैं, कोई होता है कि जो बहुत ही अच्छा ग्लो करता है। आपने अगर मैं बात करूं ट्रैफिक लाइट्स की, तो रेड ही अगर मैं करूँ रेड कलर की, उसमें रेड होता मतलब स्टॉप, वो क्यों ने लिया है रेड कलर चूज किया, क्योंकि इसकी वेव लेंथ बहुत ज्यादा है, वो दूर से हम इसको देख सकते हैं, तो इसलिए हमने रेड को चूज किया, क्योंकि उसकी वेवलेंथ डोमिनेंट है, वो डोमिनेट कर रही है बाकी कलर्स के ऊपर। ये तो अब मैं बात करूंगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि अगर मैं एक एलईडी को देखूं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें से मिलकर बना होता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, और मैं बात करता हूं कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ एलईडी।
आपको साइड में एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, ये एक एक्चुअल डायग्राम है कि एलईडी में होता क्या है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये सात, इसके अंदर सात चीजें होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहला आता है इपॉक्सी लेंस, जो उसकी हमने आउटर कवरिंग होती है। एक होती है वायर बॉन्ड, दो टर्मिनल्स को मिला के कंबाइन करना होता है, इसको कनेक्ट किया होता है ताकि करंट एनोड से कैथोड में जा सके। थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव कैविटी, कि कहां से वो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, किस डायरेक्शन में इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है, कहां उसको भेजना है। फोर्थ होता है सेमीकंडक्टर टाइप। अब इसके अंदर जो भी हमने मटेरियल यूज किया है डोपिंग के लिए वो होता है। फिफ्थ होता है एनविल पोस्ट, एक होता है हमारे पास फ्लैट स्पॉट। ये फ्लैट स्पॉट हमें नेगेटिव टर्मिनल को पहचानने में काम आता है, कि कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड कौन सा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, एनविल और पोस्ट को, ये हम दोनों मिलकर बनाते हैं लेड फ्रेम। एक फ्रेम हमें बना देते हैं कि दो चीजें एनोड कैथोड और जो टर्मिनल्स है उनका कॉम्बिनेशन बना देते हैं, कि ये दोनों को कंबाइन करके मैंने फ्रेम बना दिया। तो ये तो था इसके सेवन एलिमेंट्स, कि इससे मिलकर एक एलईडी तैयार होती है। एक साइड में जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एक डायग्राम को दिखा रहे हैं, ये इसकी एक्चुअल डायग्राम है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि मैं इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये तो था इसके कंपोनेंट्स, अब मैं इसकी अंदर की थोड़ी सी डीप में चलते हैं, थोड़ा डीप कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मेरे पास ये डाई है, इसके अंदर ये एक सबस्ट्रेट हो गया, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास आपका एन रीजन, एन टाइप रीजन, ये मेरे पास हो गया आपका एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, और ये मेरे पास आ गया पी टाइप। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास ये आपके होल्स हो गए, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये हमारा एक्टिव रीजन कह लो, या मैं इसको मैं दूसरा नाम दे दूं, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। ये मेरे पास डिप्लीशन रीजन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकम्बिनेशन हो रहे हैं। अब क्या होगा कि यहां इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास कुछ यहां से लाइट, अब लाइट क्या आउटपुट में मुझे पास निकल गया, से ये हो गया मेरे पास फोटोन, 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 फोटोन। इनके रिकॉम्बिनेशन से हमारे पास फोटोन, फोटोन की फोटोन मतलब लाइट में प्रोड्यूस मिलेगी। हमारे पास ये तो था कि इसकी कंस्ट्रक्शन बता दी, कि मेरे पास चार लेयर्स होती है, उसके अंदर एक सब्सट्रेट हो गया, कि कौन सा एलिमेंट मैं डोप करना है। सब जैसे हमने कोई भी डायोड ले लो, जैसे पीएन जंक्शन डायोड था, या फिर आपका मॉसफेट लगा लो, उसके अंदर सबसे पहले पी टाइप की हमारे पास सब्सट्रेट होता है, नीचे मैंने कौन सा सब्सट्रेट लिया, ऐसे इसके अंदर सब्सट्रेट को आप ले सकते हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या फिर आर्सेनाइड हो गया, आप वो सब्सट्रेट ले सकते हो। हमने पी टाइप और एन टाइप को डोप किया उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं बता सकती हूँ, देख सकते हैं कि कौन सा हमने पीरियोडिक टेबल से लेना होता है। मेनली वो ग्रुप नंबर 3 एंड या फिर और 5, इनमें इनके एलिमेंट्स हम उठाते हैं डोप करने के लिए। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब मैं बात करता हूँ इसकी वर्किंग की बात करता हूँ, कि मैंने इसको अब वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, लाइट कैसे जनरेट होती है। अब यहाँ यही से आपको बताता हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पे डोप हुआ, नॉर्मल कंडीशन में तो दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स अपनी अपनी जगह टिके रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई फॉरवर्ड बायस नहीं, ना ही कोई रिवर्स बायस, ना ही कोई वोल्टेज अप्लाई की है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ,
मेरे पास ये पीएन जंक्शन है, ये मेरे पास हो गया पी, ये एन, यहां पे मैंने इसको फॉरवर्ड बायस दे दिया वी, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। अब क्या होगा, जो भी यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां इलेक्ट्रॉन्स और होल से, वो यहां पे आ जाएंगे डिप्लीशन रीजन में। तो क्या होगा, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, यहां से मेरे पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास होल्स है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरे पास होल्स आ गए, यहां पे इसकी डिकम्बिनेशन हुई यानी डिफ्यूजन होगी दोनों। तो यहां से मेरे पे पास इलेक्ट्रो लूमिनस इफेक्ट की वजह से मेरे पास यहां पे लाइट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये एक स्पेशल डायोड है इस वजह से। अब यहां पे मेरे पास जो ये रीजन है, ये चीज, इसको मैं फॉरबिडन गैप बोल रहा हूं, फॉरबिडन फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे हमारे पास ये कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगी इस एरिया में, डिप्लीशन रीजन में, जिससे मेरी लाइट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ये तो था कि कैसे हमारे पास वर्किंग क्या होती है, कि हमने उसको होल्स और इलेक्ट्रॉन्स से कॉम्बिनेशन में, सेम प्रोसेस है डायोड के अंदर, बस फर्क इतना है वहां पे हमें हीट के फॉर्म में आउटपुट मिलती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यहां पे हमें आउटपुट हमें लाइट के फॉर्म में मिलती है। अब मैं बात करूं कि टाइप्स के बारे में, कि हमने क्या, हम कौन से एलिमेंट हम डोप करने से हमें कौन सा कलर हमें मिलता है, हम वो देखते हैं। तो मैं ये सारे इरेज कर रहा हूं आपको, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ये थी इसकी वर्किंग, तो मैं ये सारे इरेज कर देता हूं। मेरे पास जो है, मेरे पास 10 तरह के एलिमेंट्स को मैंने डोप किया हुआ है। नंबर 1 है मेरे पास गैलियम आर्सेनाइड, ये मेरा देता है इंफ्रारेड कलर, इंफ्रारेड। नंबर 2 है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये मेरा रेड टू इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड ऑरेंज, ये मैं कलर देता है। थर्ड है मेरे पास एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये मेरा आपका ये देता है हाई ब्राइटनेस रेड, आपका ऑरेंज येलो, मेरा ये आपको कलर्स प्रोवाइड करता है। फोर्थ है मेरे पास गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ये मेरा आपका देता है रेड येलो एंड ग्रीन। नंबर 5th है जो मेरे पास, वो आपका एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, ये आपका देगा ओनली ग्रीन कलर। नंबर 6 ये आता है गैलियम नाइट्राइड, ये सारे 3rd और 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से हमने उठाए हुए हैं। गैलियम नाइट्राइड हमें देगा ग्रीन कलर एज वेल एज एमरल्ड ग्रीन। नंबर 7 मेरे पास है गैलियम इंडियम नाइट्राइड, ये देगा आपका ब्लूइश ग्रीन एंड नियर अल्ट्रा वॉलेट, मतलब प्रॉपर अल्ट्रा वॉलेट नहीं तो उसके आसपास को कोई कलर देगा। 8 में पास आता है सिलिकॉन कार्बाइड, ये मेरा देगा ब्लू, ब्लू एज ए सबस्ट्रेट।
नंबर नाइन आता है मेरे पास जिंक सेलेनाइड, ये मेरे पास देगा ब्लू कलर। एंड नंबर टेन मेरे पास आता है एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड, ये मेरा देगा अल्ट्रा वॉलेट कलर। तो ये था कि मेरे पास कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देगा, कि मैंने अगर ये डोप किया सिलिकॉन के साथ तो मुझे इंफ्रारेड कलर मिलेगी, अगर मेरे पास गैलियम नाइट्राइड डोप किया तो मुझे ये कलर मिलेगा। तो काफी टाइम से हम रेड येलो ग्रीन में से ही हम बना रहे थे अपने क्या कहते हैं उसको कलर्स बना रहे, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि क्या पता हम दूसरे एलिमेंट्स को मिला के हम कुछ और कलर जनरेट कर सकते हैं। तो 2002 में उनको एक कामयाबी हासिल मिली। तो इससे तो ये हो गया कलर के बेस्ड। अब मैं बात करता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ और तरह की एलईडीज भी होती है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक आती है हमारे पास व्हाइट एलईडी, सेकेंड आती है हमारे पास आरजीबी एलईडी, एंड थर्ड कोई आती है हमारे पास बाई कलर एलईडी। अब इनका क्या मतलब होता है, व्हाइट एलईडी जो होती है वो प्रॉपर व्हाइट कलर देती है। अब इसके भी दो मेथड है, या फिर मैं क्या काम करूं कि मेरे पास जो प्राइमरी कलर्स है रेड ब्लू और ग्रीन, इनको मिला के मैं अपनी व्हाइट एलईडी बना सकता हूँ, या फिर मेरे पास कोई ब्लू कलर है, ब्लू कलर की एलईडी है, उसको मैं येलो फॉस्फर के साथ मिला के मैं व्हाइट एलईडी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो येलो फॉस्फर और ब्लू एलईडी का जो मिक्सचर है वो बहुत ही एफिशिएंट है, इसलिए हमको ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कॉमन टर्मिनल होगी कैथोड, बाकी तीन टर्मिनल्स वाली वो भाई रेड ब्लू ग्रीन को जनरेट करेगी, यानी कि मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं रेड कलर की एलईडी और कैथोड को कनेक्ट कर दूंगा, अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन वाली के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ब्लू चाहिए तो ब्लू के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके अंदर मेरे पास बस एक ही होता है, यहाँ पे मेरे पास रेड और ग्रीन एलईडी मुझे मिलती, ब्लू नहीं मिलता इसके अंदर, तो ये रेड ग्रीन एलईडी बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर अगर मैं देखूं, मैं मार्केट में देखा हूं, तो ये फोर टर्मिनल एलईडी हम बोलते हैं, ये होती है मेरे पास थ्री टर्मिनल एलईडी और ये टू टर्मिनल एलईडी हम बोल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर मुझे टेस्ट करना है, ये मुझे देखना है कि मेरी एलईडी ठीक है कि खराब है, अगर हम मार्केट से कहते हैं कई बार उसमें से खराब निकलती है तो उसको कैसे देखें, तो अगर मैं आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है तो उसके अंदर एक डायोड का सही बना होगा इस तरह का, ये होता है कंटिन्यूटी का, वहां पे इसको सेट करके हमारी एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट लेड्स लगा के अगर तो वो ग्लो करी तो मतलब वो एलईडी ठीक है, अगर नहीं किया तो मतलब वो एलईडी खराब है। एक और तरीका भी है कि मैं एक एलईडी लूं, उसको मैं एक रजिस्टर से कनेक्ट करने के बाद उसको मैं बैटरी के साथ लगा दूं, छोटी सी 9 वोल्ट की या फिर आप डबल ए वाली सेल आता है उसमें कनेक्ट करके देखूं, अगर मेरी एलईडी ग्लो कर गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरी एलईडी खराब हो जाती है। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आता है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था डायोड के अंदर कि उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, पॉजिटिव में एकदम राइज करता है, रिवर्स में कई बार नीचे जाके रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, सेम प्रोसेस सेम हमारे पास एलईडी के अंदर होता है, बस फर्क इतना ही आता है कि यहाँ पे हमारे पास कलर्स भी डिपेंड करती है कि कौन से कलर का कितना हमारे पास वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं या कितना करंट वो ले रही है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम है, यहाँ पे भी शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास डायग्राम है कितने अलग अलग कलर्स का दिखाया, कि इंफ्रारेड का दिखाया, रेड कलर का दिखाया, ऑरेंज का दिखाया और भी दो तीन कलर्स बीच में है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ये था हमने आज बात की थी एलईडी के ऊपर। तो जाने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक हमारे पास एक एफईक्यू हम लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आपके डाउट्स मैं लूंगा, आप मुझे अपने डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए, तो इसको प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, साथ में इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।